नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। बच्चों आज हम लेकर आए हैं एक्टिव एंड पैसिव वाइज, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2016 का आया हुआ है ना। यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव वाइज 2016, जो कि यूपी बोर्ड 2016 का आया हुआ है। तो पहले यहाँ पर आप वाक्य देख लीजिए कैसे कैसे वाक्य आए हुए हैं, तो उसके बाद आप इनको करेंगे स्टूडेंट्स, है ना। और फिर मैं जो है आपको पूरा बताऊँगा करके कि कौन सा जो है यहाँ पर सही होने वाला है, ठीक है। तो फटाफट से आप वाक्य को नोट कर लेंगे और वीडियो को जो है जो पॉज कर देंगे। टोटल 7 वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, इन 7 वाक्य को आप नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद वीडियो को रोक देंगे। रोकने के बाद स्टूडेंट्स आप अपने मन से करेंगे और मैं करने जा रहा हूँ, उसमें से फिर आप मिलाएंगे कि हाँ कौन सा आपका सही था और कौन सा नहीं सही था। तो चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहला वाक्य, आई नो हिम वेरी वेल, हर बार लगभग आने वाला वाक्य है ये, बहुत बार आया हो, मैंने आपको बताया भी है ना। पीपल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स और आई नो हिम वेरी वेल, दो यूपी बोर्ड के बहुत ही फेमस वाक्य हैं एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के मामले में। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए वाक्य है आई नो हिम वेरी वेल, है ना। प्रेजेंट डिफरेंट टेंस का वाक्य है, नो आया हुआ है, हिम है बच्चों, यहाँ पर ही कर लेंगे, राइट ही। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज, नो न्यू नोन हो जाएगा, ही इज नोन। उसके बाद यहाँ पर वेरी वेल है, वेरी वेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है बच्चों, टू आई है ना, उसको मी कर लेंगे, नो के साथ हमेशा जो वो लगती है प्रीपोजिशन टू लेता है। रीता कैन नॉट डू दिस वर्क, राइट। तो कैन नॉट आया मॉडल, तो बी लग जाएगा भाई, डू दिस वर्क, यहाँ पर दिस वर्क है तो उसको दिस वर्क कर लेंगे, दिस वर्क। कैन नॉट है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा कैन नॉट बी, दिस वर्क कैन नॉट बी। डू डिड, तो डन कर लेंगे, बाई रीता है ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, बाई रीता कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, उसके बाद ही नो मी वेल, आई आया है, मी यहाँ पर आया है, इसको आई कर लेंगे। नोज आया है बच्चों ना यहाँ पर, तो यहाँ पर इज लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर आई था इसलिए नो आता था ऊपर, और यहाँ पर क्या है, ही आया इसलिए नोज आया है, तो आई के साथ इज नहीं लगता, सॉरी सॉरी बच्चों, आई के साथ आई एम लगेगा ना, तो आई आई एम। उसके बाद नो न्यू क्या हो जाएगा, नोन, आई एम नोन वेल, बस हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए बाई ही है ना शायद, तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, टू हिम हो जाएगा, ठीक है। चलो ही है तो बाई हिम ना होकर के टू हिम होगा, कि नो अपने साथ टू लेता है। अगला देखिए, हु राइट्स ए लेटर, तो ये वाला जैसे ही आया बच्चों, तो हु को मैंने बताया आपको कि जो हु आता है उसको आप बाई हुम ला के बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई हु, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए लेटर, है ना, तो यानी कि हु राइट्स ए लेटर, एक पत्र कौन लिखा है ना, तो बाई हुम। उसके बाद इज, है ना, ए लेटर, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर राइट रोड रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हिज रिप्लाई सरप्राइज्ड मी, तो मी है ना बच्चों यहाँ पर, तो मी क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, मी है यहाँ पर, आई हो जाएगा। इधर देखिए सरप्राइज्ड, तो वॉज लग जाएगा, आई वॉज, राइट। उसके बाद सरप्राइज्ड हो जाएगा, आई वॉज सरप्राइज, ठीक है। और सरप्राइज के साथ हमेशा क्या लगता है, एट, तो एट हो जाएगा किस पर, हिज रिप्लाई, है ना, एट हिज रिप्लाई। चलिए उसका देखिए, प्लीज कीप टू द थेफ्ट, है ना, प्लीज कीप टू द थेफ्ट, यानी कि इसको प्लीज कीप रखिए टू द लेफ्ट, मतलब कि प्लीज कीप रहिए टू द लेफ्ट, बचे हुए यानी जो बचा हुआ है उसको प्लीज रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू करके बना लेंगे यहाँ पर, चाहे तो लेट द लेफ्ट बी केप्ट, है ना, ये कह सकते हैं आप, चाहे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप टू द लेफ्ट, राइट। इसका देखिए, एवरीबडी नोज हिम, एवरीबडी नोज हिम, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, हिम को इधर उठा के लाएंगे, तो हो जाएगा ही। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा बेटा, नोज है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा इज, उसके बाद नोन कर लेंगे, ठीक है। बाई लगा के चाहे एवरीबडी लगाइए और चाहे मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एवरीबडी मतलब सबके द्वारा, सबके द्वारा में बाई लगा के लिखने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको स्टूडेंट्स पसंद आया होगा, वीडियो को पसंद आया हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि हमारे चैनल को आपको स्टडी से रिलेटेड और सभी एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की सारी वीडियोस जो हैं मिलती रहती हैं। स्टूडेंट्स आशा करूंगा कि आपने अब इससे आप मैच कर लेंगे, जितने भी किए होंगे सही किए होंगे।
ठीक है। तो चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को जो है ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। जय हिंद और वंदे मातरम स्टूडेंट्स।